आज हम साउंड सेंसर के ऊपर बात करने वाले हैं, साउंड मॉड्यूल के ऊपर बात करने वाले हैं, किस तरीके से साउंड को सेंस करके हमें आउटपुट देता है। यदि हमें एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जिसमें हम ताली बजाएं, क्लैप करें, तो जो हमारा खा है वो चालू हो जाए, या हमारी पानी की मोटर है वो चालू हो जाए, या हमारे घर की लाइट है वो ऑन हो जाए, तो उसके लिए हम इस सेंसर का यूज़ करेंगे। तो ये सेंसर किस तरीके से काम करता है, इसका सर्किट किस तरीके से बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को समझने वाले हैं आज हम। सबसे पहले हम इसकी पिनों के बारे में देखेंगे, कौन सी पिन किस काम की है और उनके कनेक्शन कैसे कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पहली पिन है आपकी, ये आपकी आउटपुट पिन है। यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा D0, इसका आउटपुट है। D0 का मतलब डिजिटल आउटपुट। डिजिटल आउटपुट क्या होता है, जहाँ पर अपने पॉजिटिव या नेगेटिव वोल्टेज हमें मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है हमारा पॉजिटिव पिन, इस जगह पे हमारी बैटरी की पॉजिटिव कनेक्ट होगी, जो हमारा बैटरी का पॉजिटिव वायर है उसे इस जगह पे कनेक्ट करेंगे। फिर अगला है जी का मतलब ग्राउंड वायर, तो इस जगह हम बैटरी का नेगेटिव पॉइंट कनेक्ट करेंगे। और ये है हमारा A0 का मतलब है एनालॉग आउटपुट। तो यदि हम इसे आर्डिनो या किसी माइक्रो कंट्रोलर के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस आउटपुट का यूज़ नहीं करके इस आउटपुट का यूज़ करते हैं, जिससे हमें करेक्ट डेटा का पता चल जाता है। फिर हम देखते हैं इसके बगल में एक LED लगी हुई है, ये है हमारी आउटपुट LED। तो जब भी हम इसके आगे साउंड या कुछ प्ले करेंगे, तो हमारी ये आउटपुट LED हमें आउटपुट सिग्नल बताएगी कि आउटपुट सिग्नल हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये आउटपुट हमें इस D0 पे मिलेगा, जो कि डिजिटल आउटपुट होगा इसका। और ये हमारी पावर LED है, जो कि पावर ऑन होने पर चलेगी। तो जब भी हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज देंगे, तो यहाँ पर पावर LED हमारी ग्लो करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें आते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं प्रीसेट, इसे ट्रम्पोट बोला जाता है। तो इसे हम मोर टाइम घुमा सकते हैं, तो इससे हम इसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना दूर तक ये सेंस करे। फिर उसके बाद में यदि हम इसकी बात करते हैं, तो ये हमारा माइक है, जो कि जो भी वॉइस होगी उसको लेगा और उसे एक सिग्नल में चेंज करके इस IC के पास भेजेगा, और ये IC हमें डिजिटल आउटपुट देगी। किसके अकॉर्डिंग देगी, जिस अकॉर्डिंग हम इसे सेट करेंगे। यदि हम कम दूरी का सुनना चाहते हैं तो हम कम का इसे सेट करेंगे, और ज़्यादा दूरी का सुनना चाहते हैं तो हम इसे और हाई कर देंगे इसकी सेंसिटिविटी। तो इस साउंड सेंसर में हमें जो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा, वो हम 3.7 वोल्टेज से लेके हम इसमें 5 वोल्ट तक देंगे। यदि हम उससे ऊपर वोल्टेज देंगे, तो ये ख़राब होने लग जाएगा और ये सही से काम नहीं करेगा। तो अब इसके कनेक्शन किस तरीके से होंगे, तो वो चीज़ देखेंगे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए अब इसके कनेक्शन देखते हैं। अभी हमने इस पे क्या किया है कि बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें देखिए पावर LED जल रही है, हमारी पावर LED ग्लो हो रही है, और ये हमारी है आउटपुट की LED। तो जब भी इस पे आउटपुट आएगा, तो ये LED ग्लो करेगी। अभी देखिए, मैं इस पे जब भी मार रहा हूँ, तो देख लीजिए LED ग्लो कर रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी सेंसिटिविटी को हाई कर दूँगा। तो अभी देख लीजिए, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो इसमें कोई LED ग्लो नहीं हो रही, लेकिन ये हम इसकी सेंसिटिविटी को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, देखिए तो क्या होगा कि ये हल्के से सिग्नल को भी पकड़ने लग जाएगा। तो अभी मैं इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता हूँ, देखिए। अब मैं और थोड़ा सा करता हूँ, तो अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो देख लीजिए ये LED ग्लो कर रही है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो ये ग्लो नहीं करेगी, और जब मैं कुछ भी बोलूँगा, और जब भी मैं हम इस पर प्रेस करेंगे, तो देख लीजिए कितना हाई इसका आउटपुट आ रहा है। तो ये हल्के से वॉइस को भी सेंस कर रही है। तो अब हम इसमें LED कनेक्ट करेंगे, और LED के सर्किट को देखेंगे किस तरीके से हमारी LED जलती है। तो ये चीज़ हमने देखी कि यहाँ से इसकी सेंसिटिविटी एडजस्ट होती है, ये इसकी पावर LED है, और यहाँ से जो भी हम बोल रहे हैं, वो जो हमें आउटपुट मिलेगा इधर, तो वो ये इंडिकेट करेगी LED। तो अब आगे देखते हैं हम इसमें। तो अभी हमने इसके सारे कनेक्शन कर लिए हैं, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके सारे कनेक्शन। ये कुछ इस तरीके से हमारे सारे कनेक्शन हैं। तो अभी मैंने क्या किया है कि बैटरी का जो पॉजिटिव वोल्टेज है, हमारी 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी है, इस बैटरी के पॉजिटिव वोल्टेज को हमने, जैसा कि मैंने पिन में बताया था, इस पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। और LED का जो पॉजिटिव है, उसे LED जो हमारी LED लगाई है, इसका पॉजिटिव को हमने D0 से कनेक्ट कर दिया। तो देख लीजिए, जब भी मैं इसमें कोई भी साउंड या कुछ भी प्ले करता हूँ, तो ये LED हमारी वर्क करने लगती है। हेलो, देख लीजिए, जब भी मैं इसके सेंसर पे मार रहा हूँ, क्लैप कर रहा हूँ, तो हमें एक सिग्नल मिल रहा है, जो कि इस ये LED हमारी इंडिकेट कर रही है। देखिए, हमारा जो ये है, ये हमारा आउटपुट LED है, जो कि ये बताती है हमें आउटपुट मिल रहा है। तो जब भी साउंड सेंसर के आगे कोई भी साउंड प्ले होता है, यदि देख लीजिए, तो ये हमारी आउटपुट देती है। यहाँ से हम इसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने इसकी सेंसिटिविटी को देखिए बहुत कम कर देता हूँ, तो ये जब भी थोड़ा सा भी साउंड होगा, उसको देखिए डिटेक्ट कर रही है।
मैं बोल रहा हूँ उसको भी ये डिटेक्ट कर रही है, देख लीजिए। तो देख लीजिए, और जब मैं इसकी सेंसिटिविटी को कम कर देता हूँ तो ये कम सेंस करेगा। देख लीजिए, अब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल पास से जब मैं इसके पास ताली बजा रहा हूँ तभी ये काम कर रही है। तो ये इसके कनेक्शन है। अब हम एक ऐसा सर्किट डिजाइन करेंगे जिसमें क्या होगा कि जब भी हम क्लैप करेंगे तो एलईडी जलने लग जाएगी, वापस क्लैप करेंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो अब हम उस सर्किट को बनाएंगे और देखेंगे कि इसका कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने इस सर्किट को डिजाइन कर लिया है, और इस सर्किट में देख लीजिए पावर हम इस बैटरी से दे रहे हैं जो कि 3.7 वोल्ट की बैटरी है, और ये हमारा मॉड्यूल है जो कि एक IC4017 के साथ कनेक्टेड है। तो जब भी चलने लग गई और जैसे ही वापस क्लैप करेंगे तो हमारी LED ऑफ हो गई, और जैसे ही वापस से क्लैप करेंगे हम तो हमारी LED जलने लग गई, देख लीजिए। जैसे ही वापस से हम क्लैप करेंगे तो हमारी LED ऑफ हो जाएगी। तो बड़ी आसानी से हमने इसके इस सर्किट को डिजाइन किया है, और हम इस जगह हम एक रिले मॉड्यूल को कनेक्ट करके बड़े LED बल्ब को भी जला सकते हैं, जिससे कि जब भी हम LED में ताली बजाएंगे या हम क्लैप करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो LED है वो क्या होगा कि वो जलेगी। तो यहाँ से इसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे और इससे बड़े LED बल्ब को जला के देखेंगे, क्लैप करके देखेंगे कि ये हमारे क्लैपिंग से बड़े LED बल्ब जलते हैं नहीं जलते। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।